फ्रेंड, तो आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश लिखना। यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश लिखनी नहीं आती है और आप ये सोच के परेशान है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम शुरू से इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझिएगा और उसको सीखने से पहले आपके पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A to Z यानी कि लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो अल्फाबेट्स होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल तरीके से समझे तो ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे सीख पाएंगे। और हिंदी में कितने होते हैं, 46 यानी कि 46 हिंदी में होते हैं। तो अब ये दोनों चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम सीखने वाले क्या हैं, ये ही सब चीज़ें। तो इनसे सीखने के लिए इनके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ABCD को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि अल्फाबेट्स को किस तरीके से लिखा जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, चार लाइनें होती है तो किसी को ऊपर लिख देंगे, किसी को नीचे वाली लाइन में लिख देंगे, जिससे आपको बिल्कुल आपको इंग्लिश कभी भी लिखनी नहीं आएगी। माना कि आपको वर्ड्स लिखना सीखना है तो उसके साथ आपको ये भी आना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसके रूल्स सीख लेते हैं, इसका क्या तरीका है। तो देखिए बीच की लाइनों में कौन से लेटर्स लिखे जाते हैं, तो ACEIMNO ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे बीच की लाइन में लिखे जाते हैं। अच्छे से मैं समझाऊंगी, पहले आप इसे देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A को किस तरीके से लिखना है, C को, E को, I को, M, N, O। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, आगे आप भूले ना। और सबसे ज़रूरी है कि इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक दो दिन आप लिखिए तो आपका हाथ उस पर बैठ जाएगा और आप फिर उसी तरीके से लिखेंगे। तो चलिए आप आगे देखते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ ABCD लिखना सिखा रहे हैं, उसके आगे नहीं सिखाएंगे। हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे शुरू से। तो पहले ABCD सिखाएंगे, उसके बाद आपको जो इसमें हम आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाएंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अब देखिए ये चीज़ सीख लेते हैं, टोटल ये कितने हैं जो बीच की लाइनों में लिखे जाते हैं। ये हैं टोटल 14 लेटर्स, यानी कि 14 लेटर्स है जो बीच में लिखे जाते हैं। तो ये आप लिख लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका जो पार्ट टू मैं डालूंगी उसमें मैं आपको इसके आगे सिखाऊंगी, यानी कि इसके आगे आपको क्या सीखना चाहिए जिससे आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो जैसे कि नाम लिखना, उसके बाद मैं पार्ट 3 में आपको सिखाऊंगी वर्ड मीनिंग लिखना। कितने आसान तरीके से आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमने ये सीखा कि बीच की लाइनों में कौन से लेटर्स लिखे जाते हैं, अब हम सीखेंगे ऊपर की 3 लाइनों में कौन से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए V हो गया, D हो गया, H हो गया, K हो गया, ये I हो गया और T हो गया। तो ये जितने भी हैं ये बीच की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। देखिए ऐसे याद नहीं होगा, आप एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ज़्यादा नहीं है, 26 ही हैं, तो उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इनको बीच की 3 लाइनों में लिखना है, ऊपर से लेके नीचे तक जो 3 लाइनें हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखना है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए टोटल ये 6 होते हैं, यानी कि 6 लेटर्स होते हैं जो 1, 2, 3 यानी कि 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऊपर की 3 लाइनों में जो लिखे जाते हैं वो टोटल 6 होते हैं, और जो आपको याद करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी राइटिंग भी अगर गंदी है और आपको सही तरीके से लिखना नहीं आता, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए 4 लाइन वाले, यानी कि 2 ऐसे भी हैं जो 4 लाइनों में लिखे जाते हैं, सिर्फ ये 2 ही हैं F और L जो चारों लाइनों में लिखे जाते हैं। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पता नहीं होती तो हम क्या करते, या तो इसे 3 लाइनों में लिख देते या फिर इसे 2 में लिख देते, क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता, तो उसी से आप गलतियाँ कर देते हैं और फिर आगे इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो ये आप पता चल गया कि ये 2 जो होते हैं F और L, ये आपको चारों लाइनों में लिखना है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगी, शुरू से सब कुछ सिखाऊंगी, वारा खड़ी और आपकी नाम किस तरीके से आसानी से आप लिख सकते हैं, सब कुछ सीखना है। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा।
को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं आगे इंग्लिश लिखना सीखना, तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आपको वीडियो पता चल जाएगी, बस इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। अब देखिए नीचे की तीन लाइनों में लिखे जाने वाले टोटल फाइव होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जी है, जे है, पी है, क्यू है, वाई है, ये टोटल पाँच हैं जो आपको नीचे की तीन लाइनों में लिखे। नीचे की तीन लाइनों का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऊपर की एक लाइन को छोड़ के जो नीचे की तीन लाइनें आपकी बचेंगी उसमें ये आपको लिखना है, ऊपर की लाइन में नहीं लिखना। याद रखिएगा चार टोटल लाइन होती है जिसमें से आपको ऊपर की एक लाइन छोड़ के नीचे तीन लाइनों में लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरीके के लेटर्स होते हैं, यानी कैपिटल और स्मॉल, यानी कि दो तरीके की एबीसीडी होती है, छोटी और बड़ी, सिंपल तरीके से समझे तो। और आपने ये भी देखा होगा जैसे आप मार्च में देख रहे हैं एम जो है वो कैपिटल में है और बाकी जो ए आर सी एच है वो स्मॉल में, यानी मार्च बड़ी एबीसीडी में और बाकी सब एम जो है बड़ी एबीसीडी में और बाकी सब छोटी एबीसीडी में। पर ऐसा क्यों लिखते हैं, आपने काफ़ी जगह ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए महीने और दिनों के नाम में जो पहला जो हमारा लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है और बाकी सब चाहे आप स्मॉल में लिख सकते हैं या फिर पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, पर जो शुरू का होता है वो आपको कैपिटल में ही लिखना है और दिनों के नाम में भी आपको कैपिटल में लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें क्या होता है, उसमें भी जो पहला होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके मतलब ही नहीं पता होगा कि व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा कौन सी होती है, ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी भी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, यानी कि कोई भी एक महत्वपूर्ण यानी विशेष जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसका नाम क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी विशेष चीज की बात कर रहे हैं तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, शुरू वाला कैपिटल में आएगा। जैसे कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, यानी कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, तो यहाँ पर जो दिल्ली है यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, दिल्ली की। पूरा सेंटेंस तो लिखा है पर इसमें मेन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दिल्ली। दिल्ली के बिना कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो दिल्ली में जो दिल्ली है ये इसका दिल्ली का डी जो है वो कैपिटल में लिखना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ग्रैंड फादर को सिंपल तरीके से आप ग्रैंड पा भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फादर को डैडी या फिर डैड भी बोला जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ कह सकते हैं, कहते भी हैं बहुत सारे लोग, पर शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग मम्मी बोलते हैं तो वो इंग्लिश में नहीं बोलते, देखिए वो भी इंग्लिश में ही बोला जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या समझना है हमें, देखिए मामा चाचा फूफा इन लोगों को इंग्लिश में क्या बोले, ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें हम इंग्लिश में अंकल बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से मामी चाची बुआ इनको आंटी बोला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे किसी आदमी को अगर हमें आदर से बुलाना है यानी उसे इज्जत से बुलाना है तो हम उसे सर बोल के बुला सकते हैं, ठीक है, वो भी इंग्लिश में बोला जाता है। किसी लेडीज को यानी किसी महिला को अगर हमें इंग्लिश में बुलाना है और उस आदर से तो उसे मैडम बोला जा सकता है, आपने सुना भी होगा काफ़ी लोग ऐसे बोलते भी हैं, ठीक है। अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन को कज़न बोल सकते हैं, ठीक है, और कज़िन बहन को बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विवाहित महिला जो शादीशुदा महिला होती है उसे हमें मिसेज बोलना है इंग्लिश में मिसेज, और जो शादीशुदा नहीं है उसे मिस बोला जाता है, ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मिस जो है वो आप शादीशुदा लेडीज के लिए भी बोल सकते हैं और जो शादीशुदा नहीं है उनको भी बोल सकते हैं। और एक और चीज कि अगर आपको मिस बोलना है तो आप उनके नाम से पहले, देखिए अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं जैसे कि मिस अनीता, तो अगर आप किसी का भी नाम ले रहे हैं तो उससे पहले मिस बोलिए और उसके बाद उसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप